हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 मैग्नेट इज अ मेन मैटर। उसके अंदर हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ सोलेनोइड एंड बार मैग्नेट, मतलब कि बार मैग्नेट और सोलेनोइड के अंदर क्या समानताएं हैं, राइट। उसके पहले आप लोगों को उसका कुछ बेसिक पता होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान में रखना कि हम इस चैप्टर के अंदर दो टाइप्स के, राइट, टू टाइप्स के मैग्नेट की बात करने वाले। एक वो मैग्नेट जो अर्थ के अंदर से नेचुरली निकलता है और उसके ऊपर आप लोग जो प्रोसेस करते बनाते हैं उसको बोलेंगे हम बार मैग्नेट, और दूसरा सोलेनोइड जिसमें आप लोगों को पता है कि कॉइल होती है उसको और उसके अंदर हम करंट पास करेंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट। और वो जो सोलेनोइड है वो पूरी तरह से क्या होता है कि आर्टिफिशियल हम लोगों ने मैग्नेट बनाया हुआ है और जिसका यूज आपको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम दो मैग्नेट की बात करने वाले, बार मैग्नेट जो पहले अर्थ में से नेचुरली निकलेगा उसके ऊपर प्रोसेस करके हम लोगों ने बनाया, और सोलेनोइड जिसको हमने पूरी तरह से राइट आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। तो इन दोनों के लिए हम लोग बात करने वाले पोल स्ट्रेंथ, राइट, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे कि अगर बार मैग्नेट को राइट वर्टिकली कट किया जाए और हॉरिजॉन्टली कट किया जाए तो उसके अंदर उसके पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने 12 लेंथ का बार मैग्नेट और यहाँ पे हम लोगों ने 12 लेंथ का एक सोलेनोइड लिया हुआ है, राइट, जहाँ पे आप लोग एन टर्न्स देख सकते हो, राइट। और उसमें से अगर हम करंट पास करेंगे तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, रेडी। और ये तो नेचुरल मैग्नेट है इसलिए इसके आसपास तो क्या होगा कि किसी भी टाइम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता ही होगा, राइट, जो हमने बात की थी कि एन में से निकल के एस में एंटर होगा, राइट। अब बाय डेफिनेशन मतलब यहाँ पे जो हम इक्वेशन लिखने वाले हैं, राइट, इसकी मोमेंट का, वो बाय डेफिनेशन और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, राइट, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, वो आपको खास ध्यान रखना है। तो जो उसका बार मैग्नेट के लिए इक्वेशन हम बनाएंगे, मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट एम ऑफ बी इज इक्वल टू 2L राइट इंटू पी ऑफ बी, जहां पे आप इसके सिंबल्स को खास ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। ये जो है इसकी टोटल लेंथ 12 है, अगर आपको एग्जाम में 5 सेमी दिया हुआ है तो मेहरबानी करके आप लोग उसको 5 × 10 मतलब 10 मत लिख डालना, अगर आपको डिस्टेंस सेंटर से दिया होगा तो ही आपको डबल करना है, लेकिन 12 मतलब क्या होगा उसकी टोटल ही लेंथ लेनी है। दूसरी बात ये पी क्या होगा उसका पोल स्ट्रेंथ मतलब कि ध्रुव मान, उसका कितना स्ट्रेंथ होगा उसके ध्रुव का मतलब कि उसके पोल का, राइट। अब यहाँ पे आप पीबी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा पीबी इज इक्वल टू राइट एम ऑफ बी बाय 12। इन सब इक्वेशन का यूज करके हम लोग आगे एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं, तो इन सबको खास ध्यान दीजिएगा। सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगी सोलेनोइड के लिए, राइट, एम ऑफ एस इज इक्वल टू 12 इंटू पी ऑफ एस, और आप लोग पी ऑफ एस को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट, पी ऑफ एस को, तो आपको मिलेगा पी ऑफ एस इज इक्वल टू एम ऑफ एस राइट अपॉन 12। और आपको दोस्तों याद होगा मैंने आपको एक शॉर्टकट दी थी मी आ वाली, राइट, मी आ मतलब कि मोमेंट का इक्वेशन है एम इज इक्वल टू आई ए अपॉन 12, और एन टर्न्स के लिए आप लोग यूज करोगे कैपिटल एन, राइट, एन टर्न्स के लिए, यहाँ पे तो टर्न्स की कोई बात ही नहीं है, राइट, यहाँ पे सोलेनोइड के लिए होगी। अब एन बाई 12 मतलब आपको पता होगा हम लोग यूज कर रहे हैं हर बार स्मॉल एन राइट, और स्मॉल एन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एन अपॉन 12, जिसको हम लिखेंगे राइट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, पर यूनिट लेंथ। इन सब की बात हम आगे एमसीक्यूज में करने वाले हैं फिर से, राइट। और एक बात आपको मैं बता आपको पता होगा तो मैं बता दूं कि चैप्टर 1 के अंदर आप लोग डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन लेते हो, डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन पी इज इक्वल टू राइट 2a इंटू क्यू, तो ये इक्वेशन की मदद से भी आप लोग याद रख सकते हो। इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल दूसरा वीडियो भी बनाया हुआ है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक की कंपेरिजन करने वाले, राइट। तो आपको पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग लेने वाले मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे जो लेंथ 2a लेते थे यहाँ पे हम लेंगे 2l, और वहां पे जो उसका स्ट्रेंथ था उसको हम चार्ज क्यू बोलते थे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पी मतलब कि पोल और पोल स्ट्रेंथ, राइट, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम आगे बात करें एमसीक्यूज की, तो खास ध्यान रखना अगर इसी मैग्नेट को हम लोग वर्टिकली ब्रेक करेंगे, राइट, मतलब कि कट करेंगे वर्टिकली, तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो क्लियर, राइट, कि वर्टिकल ब्रेक मतलब कि कट करने से वजह से, और यहाँ पे भी वर्टिकली कट करने की वजह से इसका लेंथ क्या होगा एल बाई टू हो जाएगा, राइट, इसका लेंथ क्या होगा आप देख सकते हो एल बाई टू हो जाएगा। और एक मैं खास एडवाइस आपको देने वाला हूँ, किसी भी बुक में सभी चीजों को इससे क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है जैसे हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, कि इस सोलेनोइड की मदद से हम लोग इसका जो स्टेटमेंट है वो देने वाले हैं, राइट, सोलेनोइड की मदद से, क्योंकि ये पूरा आर्टिफिशियल है हमने ही बनाया हुआ है, तो यहाँ से हम इसका प्रूफ करेंगे।
कि भाई इसकी पोल स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप वर्टिकली उसको क्या करोगे, कट करोगे तो क्या असर पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ हाफ होगी, इसके जो एरिया है क्रॉस सेक्शन उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अब हम इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, राइट। पी एस इज इक्वल टू एन आई ए अपॉन राइट 12। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो 12 आपको पूरा लेना है, कि जैसे आप उसको कट करोगे तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ अभी 2 मिनट में, राइट। करंट तो क्या रहेगा सेम, क्योंकि ये सीरीज में करंट क्या रहेगा सेम। आप देख सकते हो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्टिकल इसको कट किया है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, जो टोटल थी उसकी हाफ हो गई। अब ये 2-2 कट हो जाएगा, इसलिए इसका जो पोल स्ट्रेंथ मिलेगा वो क्या मिलेगा, जैसे था वैसे। मतलब कि इसके पोल स्ट्रेंथ पे जब वर्टिकल कट करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका रियल रीजन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, जो कोई भी बुक में पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है, राइट। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे 2 मीटर लेंथ के अंदर, 2 मीटर लेंथ के अंदर, राइट, अगर 200 टर्न्स होंगे तो भी इस बात आपको, आप अगर उसको वर्टिकली कट करोगे तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी, 1 मीटर 1 मीटर, और उसका जो टर्न्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, 100 और 100 हो जाएगा, राइट। इस तरह से अभी आप लोग इसको डिराइव कर सकते हो। तो मतलब कि पर यूनिट लेंथ तो उसका टर्न्स क्या हुआ, सेम ही हुआ। तो आप थियोरेटिकली भी सीख सकते हो कि उसके पोल स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और सोलेनोइड की पोल स्ट्रेंथ सेम है, इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि भाई 12 मिनट के अंदर भी उसको अगर आप वर्टिकली कट करोगे तो उसकी पोल स्ट्रेंथ पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं, राइट। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट ही यहाँ पे आप खास ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन यहाँ से हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, राइट। एम ऑफ बी इज इक्वल टू 2L इंटू पीबी, राइट। एम ऑफ बी इज इक्वल 2L इंटू पीबी, और हमने जैसे बात की कि पी ऑफ बी के ऊपर तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्टिकली कट करने की वजह से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, राइट, हाफ हो जाएगी, इसलिए इसकी मोमेंट क्या होगी, हाफ हो जाएगी। और सेम यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे इसी इक्वेशन को, राइट। एम ऑफ एस इज इक्वल टू 2L इंटू पी एस, जैसे हमने बात की कि पी ऑफ एस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ, राइट, इसलिए यहाँ पे मोमेंट क्या होगी, हाफ। लोग आप लोगों ने अभी तक इस इक्वेशन को मुझे पता है कि आप लोगों ने कई स्टूडेंट से क्या होगा, उसको रट लिया होगा, लेकिन इस तरह से आप लोग उसको सोल्व कर सकते हो कि मोमेंट हाफ हो जाएगी, लेकिन उसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो राइट इफेक्ट नहीं करेगा अगर उसको आप वर्टिकली कट करोगे। अब हम आगे बात करेंगे, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे, राइट, हॉरिजॉन्टली तो क्या होगा, उसके लिए आपको बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को खास ध्यान रखना है कि जो उसका पोल स्ट्रेंथ है, राइट, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो 3 चीजों पर डिपेंड करेगा, राइट, सॉरी 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। अब एक तो मैग्नेट का नेचर कैसा है, मतलब कि वो किस मटेरियल में से, किस धातु, मतलब कि किस मेटल में से वो मैग्नेट बना हुआ है उस पे, और उसके ये पॉइंट किसी को पता नहीं होता है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट को, राइट, और वो लोग क्या करते हैं कि ये सभी आंसर्स को रट लेते हैं। उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, मतलब कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख सकते हो कि इस मैग्नेट से क्या है, डबल है, इसलिए याद रखना इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, मोर ज्यादा होगी, और इसकी पोल स्ट्रेंथ कम होगी। ये चीज बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होगा, राइट, और इस बेस के ऊपर हम लोग ओरिजिनल वाली बात करने वाले हैं। अब आप देख सकते हो इसको ओरिजिनली कट करोगे तो यहाँ पे लेंथ तो सेम ही है, राइट, लेंथ सेम है, लेकिन इसका एरिया क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया, राइट। अब हम ऊपर वाले इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, राइट, ऊपर वाले इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे इसकी पोल स्ट्रेंथ पे क्या प्रॉब्लम होता है, राइट। तो पोल स्ट्रेंथ का इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये बी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो कि पी ऑफ बी इज इक्वल टू राइट एम ऑफ बी अपॉन 2L, और आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि इसकी लेंथ पे कोई डिपेंड नहीं हुआ, लेकिन मैंने क्या बात की कि यहाँ पे अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड हो रहा है, अगर हाफ होगा तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, राइट, हाफ हो जाएगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, हाफ। तो यहाँ पे आपको इसकी पोल स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट, हाफ। और दूसरी बात करें हम इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की, इसका इक्वेशन आप अप्लाई करोगे एम ऑफ बी इज इक्वल टू राइट 12 इंटू पीबी, और जैसे मैंने बताया कि इसकी लेंथ तो आप देख सकते हो सेम ही है, लेकिन इसकी पोल स्ट्रेंथ हाफ होने की वजह से, राइट, इसकी पोल स्ट्रेंथ हाफ होने की वजह से आपको इसकी मोमेंट भी क्या मिलेगी, हाफ। मतलब कि इसके अंदर आंसर आएगा इसका पोल स्ट्रेंथ और मोमेंट दोनों हाफ होगा। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, राइट, कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाने की वजह से इसकी पोल स्ट्रेंथ हाफ हो रही है, और पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाने की वजह से इसी इक्वेशन की वजह से आप लोग देख सकते हो इसकी मोमेंट हाफ हो रही है, राइट। आप लोगों को डायरेक्ट याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की 12 मैग्नेट और सोलेनोइड की। थैंक यू।